यस स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट विदर्कशीट थर्टीन वर्कशीट ट्वेल्थ तक बेटा आपका वर्क कंप्लीट हो गया था सो वर्कशीट थर्टीन ओपन पेज नंबर सेवनटी वन ऑफ बुक ठीक है सभी के सभी पेज नंबर सेवनटी वन खोलेंगे अपनी बुक का क्वेश्चन देखिए बेटा स्टोरी टेलिंग समझ है जितने भी आपने ऑपरेशन लगाए हैं फ्रैक्शनल नंबर्स पे उनको आप स्टोरी टेलिंग समि की स्टोरी की फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन है ठीक है स्टोरी के फॉर्म में क्वेश्चंस दे दिए तो स्टोरी टेलिंग सम्स जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि हमें सब कुछ उसमें गिवन होता है ठीक है जो स्टेटमेंट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम स्टोरी में से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं ओके नाउ ए पार्ट देखिए अ पीस ऑफ रिबन इज फाइव थ्री बाय फाइव मीटर लॉन्ग एक रिबन का पीस है मान लो ये रिबन का पीस है ठीक है जिसकी लेंथ कितनी है फाइव थ्री बाय फाइव मीटर लंबी है इट इट इफ ट इन टू फोर्टीन इक्वल पीसेज अगर इसको फोर्टीन इक्वल पीसेज में काट दिया जाए देन वट इज लेंथ ऑफ द इच पीस हर एक पीस की लेंथ आपको पूछी है कि अगर इसको फोर्टीन इक्वल पीसेस में काट दें तो इसकी लेंथ कितनी बनेगी बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं ये देखिए यू हैव द लेंथ ऑफ रिबन लाइक दिस आपके पास एक लेंथ ऑफ रिबन है ठीक है हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इसकी टोटल लेंथ है वो फाइव थ्री बाय फाइव मीटर है एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ओके अब इसके कितने पीसेस कर दिए टोटल कितने पीसेस कर दिए फोर्टीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन फिफ्टीन लाइन्स लगाएंगे तभी बनेंगे फोर्टीन पीस ओके okay, काउंट कर लीजिए आप फोर्टीन पीसेस हैं या नहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो बेटा वीडियो को पॉज करके आप काउंट कर सकते हैं टोटल फोर्टीन पीस बनाए हैं ठीक है अब ये जो फोर्टीन पीसेस मैंने बनाए हैं तो इन पीसेस में जो ये हर एक पीस की जो लेंथ है हर एक पीस की जो लेंथ निकल के आई है आपको हर एक पीस की लेंथ बतानी है यानी कि इसकी भी लेंथ बताओ और इसकी भी लेकिन ये इक्वल लेंथ होगी आप एक की लेंथ बता दीजिए वो सभी की निकल के आ जाएगी ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा गया था कि इफ इट इज कट इन टू फोर्टीन इक्वल पीसेस जहां पर बात की जा रही है इक्वल की इट मीन्स कि इसको इक्वल पीस में काटा गया है कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है ओके तो डेट मीन्स हर एक पार्ट क्या होगा हर एक पीस क्या होगा इक्वल होगा तो आपको एक पीस की निकालनी है और वो सभी के सभी पीसेस जो हैं उनकी लेंथ भी वही आएगी आई थिंक आपको ये डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या करना है आप देखिए आंसर पे आइए सॉल्यूशन देखिए इसका ध्यान से लेंथ ऑफ रिबन लेंथ ऑफ रिबन कितना दिया, दिया हुआ है लेंथ लेंथ दे रखी है हमें फाइव थ्री बाय फाइव मीटर इसको बेटा हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्योंकि नेक्स्ट नंबर में गिवन है इसको हम इन प्रॉपर में चेंज करेंगे इट बिकम ट्वेंटी एट बाई फाइव हाउ फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव यू गए ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री कितना आ जाएगा ट्वेंटी एट ठीक है तो ट्वेंटी एट बाय फाइव मीटर नाउ लेंथ ऑफ ईच पीस अब एक पीस की निकालनी है और पूरे पीस के गिवन है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम वही फ्रैक्शन लिख लेंगे जो आपको टोटल कंप्लीट लेंथ गिवन है ठीक है जो टोटल लेंथ गिवन है आपने उसको लिख लिया अब आपको पता है वो फोर्टीन इक्वल पेसेस में कट किया गया है तो आपने क्या करना है बेटा फोर्टीन से डिवाइड करना है ट्वेंटी एट बाई फाइव को ठीक है तभी तो आपके पास निकल के आएगा ना ईच पीस की लेंथ ठीक है एक पीस की निकालनी है और टोटल आपको गिवन है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे जहां पर एक की बात की जा रही है ईच की बात ठीक है ईच का मतलब होता है एक पीस निकालना है तो अब आपको पता है जब भी आप डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करोगे फ्रैक्शन को अभी आप ये पीछे वर्कशीट में कर चुके हो डिवीजन का साइन हटाना है मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फोर्टीन का क्या लेंगे रेसिप प्रोकल इट बिकम वन बाय फोर्टीन ठीक है वन बाय फोर्टीन आ गया अब जो फोर्टीन है बेटा वो कैंसिल हो रहा है ठीक है फोर्टीन वन जा फोर्टीन एंड फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट ठीक है तो टू आ गया फाइव कहीं पे भी कैंसिल नहीं हो रहा तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे नाउ अब जो रह गए उसको मल्टीप्लाई करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय वन यू गेट टू एंड फाइव मल्टीप्लाई बाय वन यू गेट फाइव सो वट यू विल गेट यू गेट थ्री बाय फाइव मीटर लेंथ तो ये ईच पीस की निकली है बेटा एक एक पीस की लेंथ निकली है आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बी पार्ट भी आइए